हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज लड़कियों का एक पसंदीदा, मतलब जिन लोगों को मेकअप का शौक हो ना हो, उनका फेवरेट एक चीज़ होती है काजल, जिसे वो कभी लगाना नहीं भूलती। बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको काजल का सजना संवरना पसंद हो। काजल का बहुत शौक होता है सभी लड़कियों को, बहुत ही रेयर होते हैं जिनको थोड़ा इन्फेक्शन होता है या पसंद नहीं होता। अदरवाइज़ काजल तो सबका फेवरेट ही होता है मेकअप में, तो मतलब फेवरेट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, मेरे पास दो काजल हैं जिसका नाम है क्लैक्मे एब्सोल्यूट, और दूसरा है मेरे पास नेवी ब्रांड का। दोनों की बात करी जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो ये पड़ता है आपका 170 का, एंड ये मेरे पास पता है कुल कितने का है, 85 का। चौंक गए ना, बहुत अच्छा है। तो सेम मैं भी, मतलब मुझे भी लगा था यार ऐसा कैसे इतना सस्ता काजल और ब्रांडेड काजल। तो मैंने ये ख़रीदा, और मैंने कम से कम अभी तक ये 15 से 20 काजल लिए हैं जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मेरी दी वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों ने इसे स्टार्ट किया यूज़ करना, क्योंकि अब या क्या होता है, हम लोग महंगा काजल टीवी पे देख लिया ऐड और ख़रीद लेते हैं हम लोग, क्योंकि इतने बड़े बड़े यार एक्ट्रेस वगैरह होती है, इसका प्रमोशन करती हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग को लगता है कि यार प्रमोट कर रहे हैं तो, अब प्रमोशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो पहले मैं ये यूज़ कर रही थी, मेबेलिन का और लैक्मे का। तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको यूज़ करके। यहाँ पे मेरी लिपस्टिक भी लगी हुई है, क्योंकि मैं बैक टू बैक वीडियो बना रही हूँ। तो क्या हो जाता है, मैंने लुक देखो, इवन मेरी ये मतलब मैं इसको 2-3 बार हो चुका मेरे साथ, इसकी जो स्टिक है हमेशा टूट जाती है। तो चलो मैं ऐसे ही करना पड़ेगा, इतना महंगा मैंने काजल लिया, इसको यूज़ तो ऑफकोर्स मैं करूँगी कुछ भी करके। ये काजल किसका है, लैक्मे का, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरा काजल ले रही हूँ, मतलब दोनों का कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ। दोनों सिमिलर है, लेकिन आपके रेट में दोनों में बहुत डिफरेंट है। और देखो कौन सा डार्क है, ये वाला डार्क आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने नेबी द बिग एप्पल ऑफ माई आईज़ का काफ़ी अच्छी पैकेजिंग आती है, अभी मेरे पास का है नहीं जिस पैकेजिंग में ये पूरा आता है, और वाटर रेजिडेंट है, स्मच प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ प्रोडक्ट, ये सब डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं। सब लोग जितने भी आते हैं, जितने भी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, सब टेस्ट होकर आते हैं। आप देख सकते हो ये लैक्मे का है और यह द नेबी का है, और ये बोलते हैं स्मच फ्री। देखो स्मच, मतलब स्मच तो हर काजल होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कोई नहीं होता, थोड़ा बहुत स्मच हर काजल होता है बेशक, बताते हो आप देख सकते हो। और रेट ये 85 का है और ये 170 का है, तो यहाँ पे आप खुद ही पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा, हम लोग ध्यान ही देते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो गाइज़, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बार पे डाल दूँगी। अच्छा काजल है, आंखों पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिन लोगों को होता है वो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर ले, क्योंकि आंखों का मामला होता है। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी आप ये ले जो शूट करता है, क्योंकि शूट करने के ऊपर भी बात होती है, हमारी स्किन को क्या शूट करता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप ये ले, बट मैंने अपना पर्सनल व्यूज़ रखा है यहाँ पे कि ये बेस्ट है अगर आप, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा महंगा नहीं ख़रीद पाते, लेकिन ये बहुत नॉर्मल प्राइस में, बहुत बजट फ्रेंडली है। तो जो लोग ज़्यादा कॉस्टली नहीं ले पाते वो ये ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा काजल और बहुत बजट में, आपके अंडर बजट है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है कि बेस्ट काजल कौन सा है, तो आप खुद ही, मैं आपको खुद ही सामने टेस्ट करके दिखा रही हूँ। तो थैंक यू गाइस, आज था मेरा ये वाला वीडियो। सस्ता सा अगर आपको काजल चाहिए, बढ़िया सा एकदम मस्त था, तो आप ये वाला ग्रैब कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया है, यहाँ पे डामो भी दिया है। कोई मैंने ये नहीं कि मैंने कुछ टेक्निक इस्तेमाल की हो, नॉर्मल कैमरे से मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।